हाय एवरीवन, तो ये है पार्ट टू डायरेक्ट टैक्स का, बेसिक टर्म्स का सेकेंड पार्ट है इनकम। जैसे कि इनकम आता है अंडर सेक्शन टू सब सेक्शन 24 में। इनकम टैक्स जो एक टैक्स है जो आप इनकम अर्न करते हो उसके ऊपर लगता है, उसके ऊपर गवर्नमेंट आपसे चार्ज करता है। स्टिल इनकम टैक्स एक्ट डज नॉट प्रोवाइड एनी एग्जॉस्टिव डेफिनेशन ऑफ द टर्म इनकम। इंस्टेड द टर्म इनकम हैज़ बीन डिफाइंड इन द वाइडेस्ट सेंस बाय गिविंग एन इंक्लूसिव डेफिनेशन। इट इंक्लूड नॉट ओनली इनकम इन इट्स नेचुरल और जनरल सेंस बट ऑल्सो इनकम स्पेसिफाइड इन सेक्शन टू सब सेक्शन 24। तो इसका ऐसा बेसिकली ना कोई बेसिकली इसका ऐसे कुछ प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, यही डेफिनेशन है जो भी है। उसके बाद में नेक्स्ट है मेरा द टर्म पर्सन। एज आई सेड, पर्सन में क्या क्या आता है? तो पर्सन में आता है इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, देन कंपनी, फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स हो गया, फिर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हो गया। वो इनकॉर्पोरेटेड हो या नहीं हो उसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये सारे जो आते हैं ये आ जाते हैं पर्सन में, ये सब इंक्लूड होता है। अब आगे देखेंगे हम, ये सबको प्लीज़ अपने बुक में लिखो, कंप्लीट करो, बिकॉज आपका न्यू एकेडमिक ईयर स्टार्ट होने वाला है। मैंने तो ऑनलाइन स्टार्ट कर दिया, अब आप भी स्टार्ट कर दे, पढ़ना तो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज हार्डली फ्यू डेज आर लेफ्ट टू स्टार्ट द कॉलेज। तो इट्स बेटर टू स्टार्ट नाउ ओनली, एंड ऑफ द डे कुछ नहीं होने वाला है, पहले से आप पढ़ोगे तो ही होगा। तो अपने एक बुक बना लीजिए 200 पेजेस की, उसके अंदर इसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। जब आप कॉलेज आएँ तो आपको कुछ आता रहे और फिर आपका रिविजन होगा, ये भी ऑनलाइन चल रहा है, उसके बाद हम इसे इंशाल्लाह ऑफलाइन भी कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद में मेरा नेक्स्ट है, और हाँ, इसमें मैं एक शॉर्ट टर्म कोर्स भी करने वाली हूँ, जिसमें इसका बेसिकली जो लोग देख रहे हैं उनको शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट भी मिलने वाला है, जो देखेंगे, और जो एग्ज़ाम होगा उसका बाकायदा आपको एग्ज़ाम भी देना होगा। उसके बाद नेक्स्ट है इनकमिंग क्लोथ्स। अब इनकम में क्या क्या आता है? तो इनकम में आता है जो प्रॉफिट हो रहा है वो भी हम इनकम बोलेंगे। अगर मुझे किसी चीज़ को बेचकर गेन हो रहा है तो मतलब पॉजिटिव कुछ आ रहा है तो दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इनकम। डिविडेंड जो मिलता है वो शेयर्स के ऊपर जो इनकम होती है उसको डिविडेंड बोला जाता है। फिर वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन होता है जो ट्रस्ट से मिलता है या कोई इंस्टीट्यूट से मिलता है ना, चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पज़ के लिए जो होता है, तो वो भी कैसी हो रही है उसको वो इनकम ही बोली जाएगी। ऐसा नहीं है कि वो इनकम नहीं है, वो भी इनकम में ही आएगा, वो भी पार्ट ऑफ इनकम ही होगा, उसे भी हम इनकम ही बोलेंगे कि वो क्या है, वो भी एक इनकम है। अब इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा इनकम मतलब क्या। इनकम मतलब कोई भी प्रॉफिट या कोई भी गेन, किसी चीज़ को आप बेच रहे हो, ख़रीद रहे हो, उसके ऊपर आपको बढ़कर कीमत मिल रही है, पॉजिटिव आ रहा है तो प्रॉफिट है, नेगेटिव आया तो लॉस होता है। उसके बाद में मेरा नेक्स्ट है बिज़नेस। बिज़नेस का मतलब क्या होता है? बिज़नेस सिंपली मीन्स एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी, कोई भी एक एक्टिविटी कर रहे हैं। इसको क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एज ए फ्री में तो कोई करेगा नहीं, सोशल वर्क ऑब्वियसली पैसे कमाने के लिए कर रहा है, तो जो भी इसको उससे अर्निंग हो रहा है उसको क्या बोलेंगे हम? प्रॉफिट बोलेंगे। और वो क्या है? एक बिज़नेस है ना। एनी ट्रेड, कोई कॉमर्स का हो गया, कोई मैन्युफैक्चर कर रहा है कोई चीज़ और बेच रहा है, कोई एडवेंचर हो गया, कोई कंसर्न हो गया, नेचर ऑफ ट्रेड कॉमर्स, जैसे कि कोई वड़े पाँव वाला है तो वड़े पाँव इज़ ऑल्सो बिजनेस, राइट। कोई ट्रैवल टूरिज्म का है तो दैट इज़ ऑल्सो बिजनेस, है एडवेंचर का, जैसे कि रानी बाग हो गया तो रानी बाग इट्स कॉल्ड एज अ व्हाट? बिजनेस, बिजनेस पर्पस के लिए खोला। सो प्रॉफिट, टिकट बेच के प्रॉफिट कमा रहे हैं ना। फिनिक्स मार्केट सिटी में जैसे कि स्नो वर्ल्ड है, तो स्नो वर्ल्ड क्या है कि एडवेंचर है, तो दैट इज़ ऑल्सो अ बिजनेस, वो भी किसी का बिजनेस होगा जिसमें वो कर रहा है। फिर टाइम जोन हो गया, हेमलेज हो गया, तो ये सब क्या है? ये जो है ये सब बिजनेस है। और इसमें लोएसल वर्ल्ड हो गया, दैट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ बिजनेस, वो वहाँ पे एडवेंचर दे रहा है बस, और कुछ नहीं है। किसी को रेस्टोरेंट का सर्विस दे रहा है तो वो भी उसका बिजनेस है। सलून का कोई सर्विस दे रहा है, दैट इज़ ऑल्सो बिजनेस। उसके जैसे किसी का स्कूल है या किसी का कॉलेज है, किसी का हॉस्पिटल है, तो सब क्या है? बिजनेस बोला जाता है। नेक्स्ट है कैपिटल एसेट क्या होता है? तो कैपिटल एसेट इज़ डिफाइंड टू इंक्लूड एनी काइंड ऑफ, इसमें कैपिटल एसेट में कोई भी प्रॉपर्टी होगी जैसे सी के पास होगी, वेदर कनेक्टेड बिजनेस के रिलेटेड होगा या नहीं होगा, या फिर प्रोफेशन के रिलेटेड होगा या नहीं होगा। हाँ, एनी सिक्योरिटी हेल्ड बाय विच हैज़ इन्वेस्टेड इन द सच सिक्योरिटीज इनकॉर्पोरेटेड विथ, है ना, कोई बिस्किट जैसे कि इक्विटी शेयर हो गया, बॉन्ड हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, तो ये सब क्या है? ये कैपिटल एसेट्स हैं जिनको क्या कर रहा है वो, उसमें इन्वेस्टमेंट किया है। क्यों किया है? टू गेन अ रिटर्न, टू गेन अ प्रॉफिट, उसके लिए किया होगा, तो दैट इज़ कॉल्ड एज व्हाट? उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे कैपिटल एसेट, उसको हम लोग कैपिटल एसेट बोलते हैं। ओके,
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कैपिटल एसेट। अभी यहाँ पे जो कुछ एसेट्स होते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, कुछ जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, तो हम लोग डिटेल में वो बाद में पढ़ेंगे। और गेन भी जो होता है, जो कैपिटल एसेट पे जो गेन होता है, वो कुछ शॉर्ट टर्म के लिए गेन होता है और कुछ लॉन्ग टर्म के लिए गेन होता है, तो हम लोग बाद में देखने वाले हैं कि कैसे है। और क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे उस टाइम पर हम देखेंगे। उसके आगे है ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र क्या होता है? टर्म ट्रांसफ़र इज़ डिफाइंड इन, किस में बताया गया? सेक्शन में बताया गया, 2 सब सेक्शन 47 में इनकम टैक्स एक्ट के। इनकम टैक्स एक्ट क्या है? 1961 है। अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर द टर्म ट्रांसफ़र इन रिलेशन टू अ कैपिटल एसेट, उसमें क्या इंक्लूड होगा? सेल हो रहा है। ट्रांसफ़र कब होता है? कोई चीज़ अब जब बेचते हो या फिर कोई चीज़ एक्सचेंज करते हो, है ना, कोई एसेट को या किसी भी चीज़ को, तो वो हमको हमेशा याद रखना 1 अप्रैल 2022। यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन दिया है, ठीक है। अब कोई भी चीज़ अगर ट्रांसफ़र हो रही है लाइक 1 अप्रैल 2001 के पहले, उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। आफ्टर 1 अप्रैल 2001 विल कंसीडर, उसके पहले का 98-99 वो कंसीडर नहीं होगा, इग्नोर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है एनुअल वैल्यू। तो जो टर्म है एनुअल वैल्यू हैज़ बीन डिफाइंड, किसके अंडर डिफाइन किया गया है? अंडर सेक्शन 23 और सब सेक्शन 1 में इनकम टैक्स एक्ट का, एज अ सम फॉर विच द प्रॉपर्टी माइट रिस्पॉन्सिबली बी एक्सपेक्टेड टू लेट फ्रॉम 1 ईयर टू अनदर ईयर। एंड द एनुअल वैल्यू इज़ द वैल्यू विच एनी हाउस कैन फेच फ्रॉम 1 मार्केट। एनुअल वैल्यू क्या होती है? जैसे अभी सपोज मुझे अपना घर बेचना है, तो मैं देखूँगी मार्केट में उसकी कीमत कितनी चल रही है, ठीक है 2 करोड़ चल रही है, तो मैं भी डिमांड करूँगी कि मुझे भी 2 करोड़ चाहिए। तो वो क्या है? 2 करोड़ के उसका एनुअल वैल्यू, क्योंकि मार्केट से फेच हो रही है सरकमस्टांसिस को देखते हुए, हाउस का डिमांड देखते हुए, ना म्यूनसिपल वैल्यूएशन, म्यूनसिपल टैक्स देखते हुए, उसका टाइप देखते हुए, उसका स्टैंडर्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है। अगर मैं मेरी बात करूँ फॉर एग्जाम्पल लाइक कि मैं बोलूँ मेरा 2 BHK का फ्लैट है टावर में, तो उसके मेरा नेबर का कितने का है? वो 2 करोड़ का है, तो मैं भी 2 करोड़ ही डिमांड करूँगी, बिकॉज वो कंडीशन सेम है, लोकेशन सेम है, तो वैसे चल रहा है।